नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे होलकर वंश के दूसरे भाग यानी कि मल्हार राव होलकर के बाद उनके उत्तराधिकारी की। इससे और पहले की वीडियोस आपको एम ए हिस्ट्री 4th सेम के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। होलकर वंश आप किसी भी पर्पस के लिए पढ़ें, आप एमए के किसी सेम के लिए पढ़ें या फिर आप बीए के लिए पढ़ें या कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ें, आपको एक बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट मुझे समझ में आता है। इसीलिए अगर आप एमए के किसी सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है आपको उतना ही पढ़ना है। लेकिन अगर एमए या फिर किसी कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स के सिलेबस में पूरा होलकर वंश दिया है तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि आपको मल्हार राव होलकर और जसवंत राव यानी कि यशवंत राव होलकर या फिर अहिल्याबाई होलकर इन जैसे कुछ चुनिंदा शासक जिनकी वजह से होलकर वंश और इंदौर जाना जाता है, इन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आइए देखते हैं अहिल्याबाई होलकर को 1767 से 95 तक ये रहती हैं, और इनसे पहले इनके पति जो कि अगले वारिस होते हैं मल्हार राव होलकर के, उनके साथ क्या होता है ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जो माले राव होलकर होते हैं 66 से 67, ये जो होते हैं ये अहिल्याबाई के पुत्र होते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम खांडे राव होलकर की बात करें जो कि अहिल्याबाई के पति होते हैं, तो जब ये जो आमेर का किला होता है, आमेर का किला या फिर जो कुम्हेरगढ़ का किला होता है, सॉरी कुम्हेरगढ़ का किले जो राजा सूरजमल रहते हैं वहाँ के, वहाँ पर ये घेरा डालने के लिए जाते हैं अपने पिता मल्हार राव होलकर के साथ में। और घेरे के दौरान ये जब खुली पालकी में अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे होते हैं तभी किले से एक गोला आता है बारूद का, और उस तोप के गोले से इनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इस तरह से अगले वारिस के रूप में उनके नाती यशवंत राव, सॉरी मल्हार राव होलकर के नाती माले राव को चुना जाता है। 66 से 67 ये बहुत ही कम उम्र यानी कि 45 में इनका जन्म हुआ था और ये 67 में बन रहे हैं, मृत्यु हो रही है इनकी, तो कुल मिलाकर ये 22 साल कह सकते हैं, 22 साल में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी माता अहिल्याबाई होती है और इनके पिता खांडे राव होलकर होते हैं। खांडे राव जो जन्म होता है खांडे राव का 1723 में होता है, 1754 में खांडे राव का कुमेर के किले में जो करते हैं ये घेरा, उस दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना था। मराठों ने 20 जनवरी से 18 मई 1754 तक कुम्हेर के किले को घेर लिया था। युद्ध के दौरान मल्हार राव के पुत्र खांडे राव एक दिन खुली पालकी में बैठकर अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे तभी 24 मार्च 1754 को तोप के गोले से उनकी मृत्यु हो जाती है। मल्हार राव कुम्हेर के किले के जो राजा होते हैं सूरजमल को मार देना चाहते हैं, लेकिन 1754 में जयप्पा जी सिंधिया और रूपराम कतारा की सहायता से सूरजमल व मल्हार राव के मध्य संधि हो जाती है और इस तरह से वे अपने प्राण त्याग देते हैं। रूपराम जयप्पा था और सूरजमल इनके मध्यस्थ थे। इंदौर राज्य कंपेल परगना के अधीन था और जो कंपेल परगना था वो मुगलों के अधीन था। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये भी आपको समझ लेनी चाहिए। अभी जो हमने क्या समझा कि हमने ये देखा कि कैसे 1728 में बाजीराव प्रथम मल्हार राव होलकर को इंदौर परगना दे देते हैं और वहाँ पर चौथ और सरदेशमुखी जो कर होते हैं उन्हें वसूल करने का अधिकार दे देते हैं, और इसी तरह से फिर धीरे धीरे ये रजवाड़े का निर्माण करते हैं अपने महल का, और 1734 में अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद में फिर इनका जो पुत्र होता है खांडे राव होलकर तो वो तो मारे जाते हैं बेचारे तोप के गोले से, तो उनका एक उत्तराधिकारी समाप्त हो जाता है। उसके बाद में उनका जो इकलौता नाती होता है वो भी बीमारी के चलते उनका देहांत हो जाता है। अब इसके साइड में हम एक साइड में एक और हिस्ट्री चल रही है कि जो इंदौर है वो सीधे तौर पर तो मराठों का अधिकार उनमें था नहीं, क्योंकि उत्तर भारत या मध्य भारत की बात करें तो ये लंबे समय तक मुगलों के अधीन रहे हैं, तो मराठे मुगलों के ही क्षेत्रों को छीन रहे थे, तो इंदौर भी मुगलों का था। तो जो मुगल
का जो यानी कि गवर्नर था उज्जैन का, उनके अंतर्गत आता था इंदौर। तो यहाँ पर जो इंदौर के प्रशासक थे नंदलाल चौधरी थे। कौन थे? नंदलाल चौधरी। तो यहाँ पर नंदलाल चौधरी कहते हैं, जो मल्हार राव होलकर है उनसे कहते हैं कि आप इंदौर पर अधिकार कर लो, क्योंकि इस समय मुगल बहुत दुर्बल हो जाता है। तो वे झगड़ा मोल नहीं करना चाहते थे और युद्ध से बचने के लिए ऐसा करते हैं कि आप अधिकार ले लो इंदौर पर, लेकिन जो दशहरे की पूजा होगी वो सर्वप्रथम करने का अधिकार चौधरी परिवार को ही होगा। तो इस तरह से इनके बीच में यह डील होती है। उसके बाद में मल्हार राव बड़ा रावल तथा जूना रिसाला बनवाते हैं, रजवाड़े का निर्माण करवाते हैं, जो इनके महल होते हैं, और सुरक्षा के लिए इस तरह की और इमारतें बनवाते हैं। जूना रिसाला में इंद्रेश्वर महादेव का जो मंदिर होता है 18वीं शताब्दी में बना होता है। इंद्रेश्वर महादेव से इस स्थान का नाम इंद्रेश्वर पड़ता है और आगे चलकर अपभ्रंश होकर टूट फूट के साथ यही नाम इंद्रेश्वर से इंद्रपुरी इंदौर इस तरह से हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में अहिल्याबाई होलकर आती हैं। तो हमने देख लिया कि कैसे इनके ससुर की मृत्यु होती है और उनकी मृत्यु से पहले ही इनके पति की मृत्यु हो जाती है, और फिर इनके अल्पवयस्क पुत्र यानी कि वयस्क तो हो जाते हैं लेकिन आधी जवानी में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, यह हम कह सकते हैं। उसके बाद में अहिल्याबाई होलकर 1767 में गद्दी पर बैठती है और 1795 में इनका देहांत होता है। और इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर होलकर वंश में किसी का सर्वाधिक सम्मान है तो वो है देवी अहिल्याबाई। अहिल्याबाई के विषय में ये कहा जाता है कि जब इनके पति खांडेराव की मृत्यु होती है तो ये सती होने जाती हैं, लेकिन इनके ससुर मल्हार राव इन्हें अपनी पुत्री की तरह समझते हैं और वे सती होने से इन्हें रोक देते हैं। और उसके बाद में फिर ये उन्हें सैनिक प्रशिक्षण देते हैं, साथ ही राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं, और तुकोजी राव को इनका मंत्री बना देते हैं, और साथ ही साथ अगला वारिस के रूप में इन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित कर देते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि अहिल्याबाई बहुत ही ज़्यादा लिबरल किस्म की महिला थी। उन्होंने एक बहुत ही गरीब व्यक्ति के साथ में अपनी बेटी का विवाह किया था, क्योंकि इनकी बेटी को उनसे प्यार हो गया था और उनकी लव मैरिज थी, और उस व्यक्ति का नाम यशवंत राव ऐसे ही कुछ था। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इनकी बेटी सती हो जाती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये चीज़ें नॉर्मल है, इंटरेस्टिंग या फिर इंटरेस्ट आपका इस वीडियो में जागे, इस टॉपिक में जागे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनके लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही ये किसी बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 में हुआ था, चौंडी अहमदनगर महाराष्ट्र। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए और आप अपने एग्जाम में भी नोट कर सकते हैं कि 2024 में, मार्च 2024 में इस अहमदनगर का नाम महाराष्ट्र सरकार ने अहिल्याबाई नगर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर देवी अहिल्याबाई का जन्म हुआ था, इसलिए इस नगर का नाम अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पिता इनके थे मनकोजी सिंधे, जो कि पाटिल या फिर ऐसे कह सकते हैं हमने, और इनके पति खांडेराव थे, और ससुर थे मल्हार राव होलकर, और इनके पुत्र थे मालेराव होलकर। ये तीनों इनके शासन से पहले ही समाप्त हो गए थे। सोचिए नियति भी ईश्वर की कैसी है, अगर खांडेराव होलकर यहाँ पर अगर जिंदा होते, यहाँ पर हमें किसी की मृत्यु पर खुशी नहीं मनानी या फिर ये नहीं कहना कि उनके मरने से अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ पर सोचिए अगर खांडेराव होलकर जीवित होते तो एक महान व्यक्तित्व कैसे निखर कर आता, कैसे सामने आता। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि विपत्तियाँ, मुसीबतें भी हमें कई बार बहुत कुछ अच्छा सिखा कर जाती है, और कहीं ना कहीं घटने वाली घटनाएं हमारी भलाई के लिए होती है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने आप को निखारिए और आगे बढ़िए। दोस्तों देखिए, 8 साल की उम्र में इनका विवाह खांडेराव के साथ हो जाता है। अहिल्याबाई ने तुकोजी राव होलकर को अपना सेनापति बनाया था।
एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि मल्हार राव होलकर अपने पुत्र खांडे राव और अपने नाती की मृत्यु के बाद में तुकोजी राव होलकर को अपने दत्तक पुत्र घोषित करते हैं। और अहिल्या बाई की मृत्यु के बाद में जो होलकर साम्राज्य को संभालने का काम करते हैं वो तुकोजी राव करते हैं, और जो आज भी हम होलकरों के वारिस देखते हैं तो वे तुकोजी राव से चली आ रहे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी है। सुरक्षा की दृष्टि से वे महेश्वर को अपनी नई राजधानी बनाती हैं, क्योंकि होलकर जो था वो एक सेंट्रल पावर वाला शहर था, इसलिए वे होलकर को अपनी राजधानी नहीं बनाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि जो अकबर था, हुमायूं था, बाबर था और जहांगीर, यहाँ तक कि जितने भी मुगल सम्राट रहे उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर था, बहुत समृद्ध शहर था और बहुत आसानी से वहाँ पर आक्रमण करने के लिए लोगों की इच्छा जाग जाती थी, इसलिए दिल्ली पर आक्रमण हो भी तो इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था और उसकी सुरक्षा के लिए तब तक ये प्रबंध कर सकते थे। तो ऐसे ही कुछ विचार हमें देखने को मिलते हैं देवी अहिल्याबाई में, जो अपनी राजधानी कहाँ ले जाती हैं, तो अपनी राजधानी को ले जाती है वे महेश्वर में। तो महेश्वर कहाँ है? तो महेश्वर खरगोन में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और वे अपनी राजधानी इंदौर से शिफ्ट करती है, महेश्वर जो इंदौर से जस्ट नीचे साइड में हमें खरगोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वे अपनी राजधानी ले जाती है। जब 1754 में खांडे राव मारे जाते हैं तो तब कहा जाता है कि अहिल्या बाई सती होकर अपना बलिदान देना चाहती थी, लेकिन उनकी ससुर मल्हार राव ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उन्हें प्रशासनिक ज्ञान देकर भावी उत्तराधिकारी बनाया। 1766 में उनके ससुर और बेटे माले राव की मृत्यु के बाद 1766 में इनके ससुर की मृत्यु होती है और 1767 में इनके पुत्र माले राव की मृत्यु के बाद अगले साल अहिल्या बाई ने पेशवा को मालवा का शासन संभालने के लिए याचिका दायर की। अगले साल ये क्या करती हैं कि पेशवा के पास में एक याचिका भेजती हैं कि क्या मैं अगली शासिका बन सकती हूँ और होलकर वंश को संभाल सकती हूँ। कुछ कुलीन लोग जो महिलाओं के विरोधी होते हैं वे यहाँ पर भी टपक पड़े और उन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन यहाँ पर जो होलकर सेना का इन्हें पूरा समर्थन था और प्रजा का भी यहाँ पर समर्थन था, इसको देखते हुए इस समय पर जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव और इस समय पर जो छत्रपति थे नाम मात्र के राजाराम सेकंड, उन दोनों ने ही इन्हें मान्यता दी और 1767 में देवी अहिल्याबाई शासिका बनती हैं। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल के दौरान होलकर साम्राज्य में धर्म व औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। उनकी सबसे बड़ी जो माना जाता है इनके काम जो है वो सबसे बड़ा काम ये है कि ना केवल उन्होंने सिर्फ विजय अभियान पर ये रही, बल्कि इन्होंने अपने क्षेत्र में उद्योगों के विकास में और साथ ही साथ धर्म के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जबकि हम इस बात का अभाव देखते हैं मराठा साम्राज्य के पेशवा और छत्रपतियों में, क्योंकि वे केवल विजय में ही लगे रहे। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान शासक हुए, चाहे वे अकबर हो चाहे अशोक हो, हम एक मुस्लिम व्यक्ति को भारत का महान शासक क्यों कहते हैं? क्योंकि अकबर ने उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो बिल्कुल उनके खिलाफ थी, राजपूत पूरी तरह से उनके खिलाफ थे, हर तरफ ये नारे लग रहे थे कि हम इन गैर हिंदुओं को भारत से भगाएंगे और फिर से भारत में हिंदू राष्ट्र या फिर एक हिंदू शाही वंश की स्थापना करेंगे। लेकिन अकबर ने पूरी सूझबूझ के साथ न केवल अपने सैनिक अभियान जारी रखे, बल्कि उसने राजपूतों के साथ मित्रता संबंध स्थापित कर लिए और जो राजपूत कभी उनके खिलाफ खड़े हुए थे वे एक समय पर उनसे गले मिलने लगे। न केवल उन्होंने आगरा में बहुत सारे निर्माण करवाए, बल्कि उन्होंने दीन ए इलाही या फिर जो इबादत खाने जैसे संस्थानों के लिए धर्म को भी बढ़ावा दिया। ऐसा ही कुछ अशोक ने किया था, जब अशोक के समय पर पूरी तरह से बौद्ध और हिंदू के बीच में जो डगमगा रहे थे और धार्मिक उन्माद चल रहा था, उस समय पर अशोक ने युद्ध का त्याग कर धर्म को बढ़ावा दिया और शांति स्थापित की। तो ऐसे ही महान व्यक्तित्व का जो पैरामीटर होता है वो यही होता है कि परिस्थितियां आपके बिल्कुल खिलाफ होती है, लेकिन तब भी आप संभलते हैं और परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर आप लोगों का दिल जीतते हैं। तो ऐसा ही कुछ काम यहाँ पर अहिल्याबाई ने किया था। उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को एक साहित्य
संगीत, कला और औद्योगिक केंद्र में बदल दिया। इनके दरबार में मोरोपंत कवि तथा खुशाली राम संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान रहे। इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखना है, मोरोपंत कवि तथा खुशाली राम। दोस्तों वैसे तो ये बात मुझे पहले ही आपको बतानी थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप इतने तो समझदार होंगे कि आप नोट्स या फिर कागज पेन लेकर बैठे होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक बार शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और कुछ फैक्ट्स को याद कर लीजिए, उसके बाद में आप इन्हीं के आधार पर अपने उत्तर को बेहतर कर सकते हैं। अहिल्याबाई ने महेश्वर की साड़ियों को प्रसिद्ध किया। आज भी हम महेश्वर को साड़ियों के लिए जानते हैं और नर्मदा के जो प्रसिद्ध घाट हैं उनके लिए जानते हैं, और माँ नर्मदा के प्रसिद्ध घाट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनका निर्माण भी देवी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। यहाँ पर अहिल्याबाई ने कभी भी पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। वे खुले विचारों वाली महिला थी और वे समाज में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में थी। और तुकोजी राव होलकर जो अहिल्याबाई के सेनापति थे, वे मल्हार राव के दत्तक पुत्र भी थे। और यहाँ पर इनके सफल होने के पीछे वजह यह भी रही कि तुकोजी राव जैसे एक अच्छे राजनीतिज्ञ और एक अच्छे सेनापति का साथ इनके साथ था। अगर तुकोजी राव इनके खिलाफ हो जाते तो अहिल्याबाई का भी वैसे ही पतन होता जैसे रजिया सुल्ताना का हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक अच्छे व्यक्ति को चुनने के कारण इनका साम्राज्य बहुत आगे बढ़ा। गोंड और भील आक्रमण जनजातियों को स्थायी रूप से इन्होंने बसाया, और इसके पीछे वजह थी कि वे बार बार आक्रमण ना करें और साथ ही साथ उन्हें करबद्ध करके साम्राज्य की आय को बढ़ाया जा सके। इसके बाद में देखिए, बद्रीनाथ, द्वारका, ओंकारेश्वर से लेकर पुरी, गया, रामेश्वरम आदि महत्वपूर्ण स्थलों में धार्मिक निर्माण इन्होंने करवाए। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, इस मंदिर को 1780 में रानी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, और काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस के 111 साल बाद इसे पुनः सुधारा गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि अहिल्याबाई के समय पर कोई बड़े बड़े विजय अभियान नहीं हुए। इन्होंने अपने राज्य को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कहीं विस्तार करने का प्रयास नहीं किया। इनका सीधा सा ये था कि जो हमारे पास है हम उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। यही कारण है कि इन्होंने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर स्तर पर इंदौर साम्राज्य का विस्तार किया। यही कारण है कि आज भी इंदौर में अगर सबसे ज़्यादा या फिर इंदौर के इतिहास में सबसे ज़्यादा किसी शासक या शासिका का महत्व है तो देवी अहिल्याबाई है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर ओवरऑल हम पूरे मराठा साम्राज्य की बात करें तो चाहे शिवाजी हो या फिर उनके आने वाली पीढ़ियां हो, उन्होंने भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कार्य नहीं किया, क्योंकि वे अपने युद्धों में ज़्यादा लगे रहे, क्योंकि दक्षिण और उत्तर से उनके ऊपर युद्ध का ज़्यादा दबाव था, और आने वाले पेशवा और छत्रपति जिनके पास में शांति काल था और वे चाहते तो अपने मराठा साम्राज्य को, महाराष्ट्र को एक बहुत समृद्ध विरासत दे सकते थे, लेकिन वे इसे चूक गए। लेकिन इससे अहिल्याबाई नहीं चूकी। तो इस तरह से हमने देवी अहिल्याबाई को समझा, हमने खांडे राव और माले राव को समझा, इसके बाद में हम तुकोजी राव होलकर को देखेंगे और उनके उत्तराधिकारियों को देखेंगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, डेसिमस लूनियस लिविनियस कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी का जुवेनल भी कहा जाता है, वे कहते हैं कि हर बुराई से बचना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे बच्चे हमारी बुराई की नकल करने लगते हैं। अगर मैं सिंसियरली कहूँ तो जब मैं अपने पापा को गुटखा खाते हुए देखता था तो मुझे भी लगता था कि यार क्यों ना खा के देखा जाए। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं 9th या 10th में था तो मैंने एक बार खा लिया था, और मुझे याद है कि मुझे तारे नज़र आ गए थे और मैंने किसी को बता भी नहीं पाया कि मेरे साथ हुआ क्या है, और मैं बहुत देर तक बिस्तर में ही पड़ा रहा था और बस दुनिया गोल गोल घूमने लगी थी। उसके बाद से मैंने तय कर लिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब समझ में आता है कि जब हम कुछ करते हैं, हम किसी को गाली बकते हैं, किसी का गलत बातें करते हैं या फिर गलत हरकत करते हैं, तो हमारे बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। आप गुटखा खाकर या फिर सिगरेट पीकर उन्हें ये नहीं कह सकते कि बेटा ये गलत बात है, क्योंकि वो समझते हैं
और बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। इसलिए अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके भांजे भांजियाँ हैं, आपके भतीजे भतीजियाँ हैं, या फिर आपके भी भविष्य में होंगे, तो आप उन्हें वैसा बनाइए जैसा आप खुद हैं। इसलिए पहले आप अपने अंदर सुधार लाइए, तो वे बेहद अच्छे और आपके लिए बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे। फिर मिलते हैं आपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।